देखो, हम एनपीएस के विषय में यही कहना चाहेंगे कि अभी भी समय है सरकार के पास, और हम जब से आंदोलन कर रहे हैं और जब से आंदोलन तेज होता जा रहा है हमारी, तब से यही बात है कि हमें उम्मीद है, विश्वास है कि यही सरकार, और हम खुद भी चाहते हैं कि इसी सरकार के द्वारा ओपीएस बहाल हो। और हमें अभी भी उम्मीद है कि अभी तो एक महीने का समय है और एक महीने के अंदर अंदर ओपीएस बहाल होगी और इसी सरकार के द्वारा होगी। ऐसा क्या था उसमें? देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो मैं इस नारे के विषय में कहने के लिए इसलिए अभी भी तैयार नहीं हूँ कि इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस नारे का राजनीतिकरण पूरी तरह से हुआ है, अन्यथा इस नारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता। ये नारा जो है एक शुद्ध भाव से दिया गया था, और जहाँ तक इसके जो शब्दों की जो बात है, तो मामा शब्द से किसी को सुशोभित किया गया था। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा गलत था। और अगर इसमें अब तो बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सिरमौर में आके, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, उनकी सिरमौर में 4 रैलियां हुई, और वहां पे अपने आप को सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मामा और हमें भांजा स्वीकार करके संबोधित किया, और हमें बहुत अच्छा लगा। जो बीच में जो रहा होगा उसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूँ, और राजनीति में ये चलता है, अपने स्वार्थ और हित की पूर्ति के लिए कई बार इंसान कुछ भी कर लेता है। क्या लगता है कि जिससे हमें इस विषय में कुछ भी नहीं, ना बोलना है ना सोचना है। हम जो हमारा जो संगठन है वो भूत को भूल के भविष्य के गर्भ में क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हम वर्तमान में रहना चाहते हैं। और वर्तमान की स्थिति ये है कि वर्तमान में हमारे संगठन ने बड़ा जोश और खरोश के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है, हम और भी बढ़ाएंगे। एक महीने का समय है और हम वर्तमान में जीने की कोशिश कर रहे हैं, और वर्तमान में ही ओपीएस बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग रहेगी सरकार से? मांग यही रहेगी कि सरकार जितना जल्दी हो सके सरकार जो है ओपीएस बहाल करे। का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का, इस क्रमिक अनशन के दौरान और इससे पहले हमारे हर आंदोलन में बहुत सहयोग हमें मिला है, जिस कारण जन जन तक हमारी बात पहुंची है, जिसके लिए मैं मीडिया का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आज हमारा क्रमिक अनशन का 25वां दिन जो है यहाँ जारी है, और आज सिरमौर जिला की टीम हमारे बीच यहां क्रमिक अनशन का हिस्सा बनी है। आपने देखा होगा कि 3 मार्च को एक जुइया मामा का नारा इस प्रदेश में लगा था, और वो नारा जो है राजनीतिक गलियारों में खासकर और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, और जिसके लिए जो नारा लगाया था उसकी जो टीम थी उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी आप सबको पता है। उसमें जो मुख्य मुख्य लोग थे उनमें से एक ओम प्रकाश जी भी थे। ओम प्रकाश जी को आज हमने यहाँ राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया है, और ये जिसकी हमने सूचना भी कर दी है, तो इसकी इनको बधाई भी, और आगे से ये राज्य प्रवक्ता के रूप में हमारा काम भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्रमिक अनशन 4 लोकसभा क्षेत्र में भी हमारा ये चल रहा है, और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे साथी जो क्रमिक अनशन में हमारे कुछ साथी बैठे होते हैं उनके सहयोग के लिए लगातार वहाँ आ रहे हैं, सुबह हाजिरी लगा रहे हैं, शाम को ड्यूटी के बाद आ रहे हैं, दिन में जो जो सहयोग कर सकते हैं। तो ये पेंशन बहाली की मांग जो है ये रुकने वाली नहीं है, और पिछले दिन भी आप सबने देखा होगा कि प्रदेश के एक बड़े मंत्री ने जो है पेंशन बहाली को लेकर बयान दिया है कि पेंशन बहाली के लिए हम सीरियस हैं, और इस पेंशन को कोई बहाल कर सकता है तो वो उनकी सरकार कर सकती है। उनका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये हम उनसे उम्मीद करते हैं कि एक महीने का समय इस सरकार को बचाए तो एक महीने में वो इस पेंशन को बहाल करें। अगर बहाल नहीं करते तो कर्मचारियों को आप सिर्फ अपने बयानों से जो है कर्मचारी की नाराजगी दूर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल करनी पड़ेगी, और इस पेंशन बहाल सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि इसकी अधिसूचना भी करनी पड़ेगी। आप सबने ये भी देखा होगा कि विपक्षी एक बड़े नेता थोड़े दिन पहले यहाँ क्रमिक अनशन में का हमारे साथ जो है हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ आए थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि विपक्ष का भी इस मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल जो है रहा है, इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस एक महीने में हमारी पेंशन बहाल होगी। धन्यवाद।